तो मेरा एक पहले ही वीडियो आ गया है K8 माइक का, ठीक है। ये माइक का मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और उसका ब्लॉग आ गया। तो बात ऐसा है, वो वीडियो में मैंने अच्छे से नहीं बता पाया था ये K8 माइक के बारे में, और वो वीडियो बस मैंने ऐसे ही रेंडमली बना के बस डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा प्रॉपर तरीके से वीडियो को बनाया जाए और अपलोड किया जाए, क्योंकि उस वीडियो पे रिस्पांस मुझे थोड़ा मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक और वीडियो उसी टॉपिक पे बना देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी जो वीडियो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये है बोया का M1, क्या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बोया का ये माइक है। मैंने 900 रुपये में लिया था 2-3 साल पहले, ठीक है। और ये जो माइक है अभी मेरे पास, ये वायरलेस माइक है K8, और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 350 रुपया। 349 में मैंने ये ख़रीदा था ऑफ़र के टाइम पे, वैसे इसका प्राइस 390 या 400 के आसपास रहता है, ठीक है। तो बात ऐसा है, मैं अब जो भी ब्लॉग बनाता हूँ ये K8 माइक से ही बनाता हूँ, क्योंकि ये वायर वाला माइक को सब जगह कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके वजह से। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो भाई प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर देना। तो देखो ये माइक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये माइक रिकॉर्ड होते के साथ ही ना बैकग्राउंड नॉइस को ये ख़त्म कर देता है, इसका एक खासियत ये ही है। लेकिन बात ये है, देखो इसमें निकलता है आप लोग को ये मिलता है, ठीक है, देख लो। तो ये आपका माइक हो जाता है, ये आपका रिसीवर हो जाता है, और एक और इसमें मिलता है ये उसके लिए है जिसके पास आईफोन है, ठीक है, और उसमें सी टाइप नहीं दिया हो रहता है, तो ये आईफोन में कनेक्ट करके ये रिसीवर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको मिल जाता है एक चार्जिंग करने के लिए वायर, तो इसमें रहता है। लेकिन मेरे को इसमें खाली बॉक्स मिला था, वायर नहीं था, मैं अपने पहले वीडियो में भी वो बता दिया हूँ बस। और ये डब्बा में कुछ नहीं है, नीचे एक यूजुअल मैनुअल है पढ़ने का, वो कोई पढ़ता नहीं है तो हटा दो फिलहाल। तो ये माइक, ये रिसीवर, इसको बस ये सी टाइप ही, ये आपके किसी भी फ़ोन में लग जाएगा, बस आपको फ़ोन सी टाइप सपोर्ट करना चाहिए। सी टाइप जहाँ पे चार्जिंग लगता है वहाँ पे ये लगेगा, और ये यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, इसे आप होल्ड करोगे 3 सेकंड के लिए तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है ना। और आप इसे बस सिंपली यहाँ पे लगा दो और ये अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लो, तो आपका ये चलने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। तो अब मैं आपको वीडियो शूट करके बता देता हूँ ये K8 माइक से, ठीक है। तो ये कनेक्ट अब हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी जो वॉइस जा रहा है ये मेरे ये K8 माइक के थ्रू ही जा रहा है। हेलो चेक, 1 2 3 1 2 3। तो आप लोग माइक का वॉइस आप लोग सुन लो कैसा है, और उस हिसाब से आप इसे परचेज कर सकते हो। वैसे वायरलेस माइक आपको 350 में मिल जा रहा है, माना ये काम चला हुआ है, लेकिन ठीक है, काम चलाने लायक ठीक है। अगर आप लोग वायर वाला माइक पे कंफर्टेबल नहीं हो सब जगह ले जाना, तो ये वायरलेस वाला ठीक है काम चलाने लायक। तो आप अपने हिसाब से ये माइक ख़रीद सकते हो, अगर आपको ये माइक का क्वालिटी अच्छा लगता है तो आप लोग ख़रीदो, नहीं अच्छा लगता है मत ख़रीदो। और मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला है इसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो बस, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके मुझे बता देना, और आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।